all of you, and welcome back to my channel once again! Kali ki kainat mein swagat hai aap sabhi ka! To chaliye shuru karte hai aaj ka mission hum! हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? तो आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो देखो भाइयों, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से कि इतनी सदियों से मैं गायब था। तो जो इतनी सदियों से मैं आप लोगों से गायब रहा ना, उसका जो एक ही जो वन एंड ओनली रीजन है वो है कि मैं काम में फंस गया था। मतलब इतने सारे काम थे ना मेरे पास करने के लिए कि कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब एक्चुअली में हुआ क्या, जब से ये 2020 स्टार्ट हुआ है, मतलब मैच वाला 2020 नहीं, ये जो नया साल 2020 स्टार्ट हुआ है, तब से पता नहीं क्या हुआ है कि मेरी जितनी सदियों के, मतलब पुरानी जितनी भी सदियों के काम पड़े थे ना पेंडिंग, वो पूरे हो रहे हैं। तो उन सब चक्रों में मैं थोड़ा सा आप लोगों से दूर रहा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा एंड माफ़ कर देना। तो कैसा चल रहा है भाइयों नया साल? गर्लफ्रेंड बना ली है? क्योंकि भैया देख लो 14 फरवरी आ रहा है, वैलेंटाइन डे। तो देखो भाइयों, अब शुरू करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। आज का जो मेन मिशन है, जो कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का जो मिशन है वो क्या करने वाला है तुम्हारा भाई। एंड जो मिशन है वो बहुत ही स्पेशल है, मतलब स्पेशल है क्योंकि मुझे मिल चुका है अलादीन का चिराग। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में ये कहानी सुनी होगी, मतलब बहुत सारे क्या, सभी लोगों ने ये वाली कहानी सुनी होगी, अलादीन का चिराग, जिसमें अलादीन को एक चिराग मिलता है, वो उसको रब करता है एंड उसमें से एक जिन निकलता है एंड जिन उसकी सारी विशेष पूरी करता है। तो वैसे ही एक चिराग मेरे हाथ में भी लग चुका है। वो जो चिराग है वो आप सभी लोगों के हाथ में है, मतलब फोन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मेरे खुराफाती दोस्तों, ज़्यादा दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके स्मार्टफोन यानी कि आपके मोबाइल की बात, जो कि आपका एक चिराग है। अब उस चिराग के अंदर एक जिन है, उस जिन का नाम है VR3 Wheels, जो कि एक इंस्टाग्राम पेज है। अगर आप लोगों ने इस पेज को फॉलो नहीं करा तो अब भी जाके इसको सबसे पहले तो फॉलो करो, चाहे मुझे मत करना, जो कि मेरी भी आईडी यहाँ लिखी हुई आ रही होगी devrawal02 नाम से, इसको आप बाद में फॉलो कर लेना। सबसे पहले आप लोग फॉलो करो VR3 Wheels को। तो जो ये पेज है ये एक खजाने से कम नहीं है हम जैसे बाइकर्स के लिए। तो मैंने अपनी बाइक के लिए 4 खजाने मंगाए हैं उनसे, जो कि, और ये जिन इतना प्यारा है ना, और ये जिन इतना अच्छा है ना कि आप जो भी इससे मांगोगे ना वो आपके सामने लाके रख देगा। मतलब आपको कहीं नहीं जाना यार, घर पे बैठे बैठे आपको वो जिन लाके देगा सामान। तो देखो भाई, पहली बता देता हूँ, ये जो जिन है वो फ्री वाला जिन नहीं है, मतलब जिन बोल रहा हूँ यार मैं अभी, क्या यार क्या निकल रहा है मुझसे। तो हाँ, तो जो जिन है ना वो फ्री का जिन, फिर जिन, तो ये जो जिन है ना वो फ्री का सामान नहीं देता, मतलब फ्री का खजाना नहीं देता आप लोगों को, वो पैसे लेके देता है। क्योंकि वो जो पुराना वाला जिन था, ये पुराना वाला जिन नहीं है भाइयों, ये मुफ्त का ज्ञान नहीं देगा। आजकल मुफ्त का ज्ञान कोई नहीं देता, सबके लिए रोकड़ा लगता है, पैसा लगता है, रुपया लगता है, सब कुछ लगता है, पर डिस्काउंटेड ऑफर जरूर देगा मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि मुझे मिला है। मुझे तो काफी बड़ा वाला डिस्काउंट मिला है, जो कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, कतई नहीं बताऊंगा, वरना वो तो मेरी मतलब कुछ करेगा नहीं, बट यार मैं बता नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा हमको भी प्रमोशन का हक दो यार, इतना तो बनता है यार कि थोड़ा बहुत तो तुम्हारे भाइयों को डिस्काउंट मिले। तो फाइनली मुझे बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिला। तो अब बात करता हूँ मैं अपने बाइक के खजाने के बारे में। तो जो सबसे पहला खजाना है, तो मैंने लिया अपनी बाइक के लिए मुकुट। अब मुकुट बोले तो उसका जो वाइजर होता है, तो जो वाइजर की बात करूँ तो जो वाइजर है वो है ये DB वाइजर। तो ये है मेरी बाइक का मुकुट, जो कि उसके सर पे इस तरह पहनाया जाएगा उसको, ऐसे करके। ओ हाँ, ये सेम वैसी है, देखो राजा महाराजों में भी ऐसी टिप होती है ना लगी हुई, जो महाराज मुकुट पहनते हैं, तो सेम ये है मेरी बाइक का मुकुट। तो ये है DB वाइजर, बहुत टाइम से सोच रहा था मंगाने की, तो फाइनली ये खजाना मैंने अपनी बाइक के लिए मंगाया।
दूसरा है वो है मेरी बाइक के लिए कान, आगे के जो कान होते हैं वो मैंने मंगाए हैं, दो कान लेफ्ट एंड राइट, जो कि अपनी भाषा में बोला जाए तो वो है ये साइड इंडिकेटर, जो कि साइड में लगेंगे ऐसे कुछ इस तरह हमने मंगाया है। सेकंड खजाना, तीसरा जो खजाना है वो है उसका डायपर ही होगा बाइक का डायपर। अब डायपर बोले तो उसका रेडिएटर ग्रिल, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को पता है कूलेंट लीक हो जाता है रेडिएटर में, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कूलेंट लीक करने लगता है, तो ये उसका मेन डायपर है जो कि उसको बचाएगा। तो ये है रेडिएटर ग्रिल। एक्चुअली ये जो आप दिख रहे हो ना लाल कलर का, ये मैंने खुद ही रेड कलर की जो टेप होती है इसके ऊपर लगाई है, वैसे ये ब्लैक था बट ये ज़्यादा खास नहीं लग रहा है रेड वाली, कभी जाके मैं बाहर जाके इसमें टेपिंग कराऊंगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ लिखा हुआ है R15V3 एंड ये जो आवाज़ सुन रहे हो ये मेटल नहीं है, वैसे ये है एक मोटा वाला फैब्रिक बोलते हैं या फाइबर जो भी बोलते हैं वो है ये, बट बहुत ही बढ़िया वाली क्वालिटी का है। आवाज़ से आपको लग रहा होगा मेटल है बट मेटल नहीं है, थोड़ा मतलब हार्ड प्लास्टिक फाइबर या जो भी आप फैब्रिक जो भी इसको बोलना चाहो वो है ये, बट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो ये भी हमने एक तीसरा खजाना अपनी बाइक के लिए मंगाया है। एंड जो फोर्थ खजाना है, सबसे मेन जो खजाना जो कि आप लोगों ने थंबनेल में अच्छी तरह से देखा होगा, एंड वो है उसकी टेल लाइट, क्योंकि मैंने ये टेल लाइट बहुत ही बढ़िया लगी थी मुझे। अब तो ये है उसकी टेल लाइट, जलाने के बाद आप लोगों ने देख लिया है यहाँ पर जलते हैं कुछ इंडिकेटर, ये वैसे ट्रांसपेरेंट है, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, सॉलिड क्वालिटी है, एकदम बढ़िया सी, तारों का कुछ अता पता नहीं है बट देखेंगे हम कैसे लगाना है इसको। हाँ अभी एक चीज़ और, तो एक्चुअली अब मैंने और मेरे पापा ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ही ये सब चीज़ें लगा दें, क्योंकि डीवी वाजे लगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी लगा सकता है वो मैं लगा लूँगा, कान लगाने में मतलब इंडिकेटर लगाने में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी हम लगा लेंगे। एंड तीसरा क्या था, हाँ रेडिएटर ग्रिल, वो भी लगाना इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, मैंने वीडियो देखी थी तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। फोर्थ एंड जो फोर्थ है टेल लाइट, जो सबसे हार्ड वाला मिशन है, वो पूरा करने के लिए थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ी गणित लगानी पड़ेगी अपनी, बट देखते हैं कैसे होगा। तो ये सब मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास चाहिए हथियार, मतलब अब लड़ाई पे जा रहे हो, अगर आप मिशन करने जा रहे हो कुछ भी लड़ाई वड़ाई करने तो हथियार तो चाहिए ना, तो वही सब हथियार हमने मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से, जो कि है विस्को टूल्स। एंड ये टूल्स में है दिखने का छोटा उस्ताद बट काम करेगा बड़े बड़े। भाई आप लोगों को अशर्फियां दिखाता हूँ अपनी खजाना, तो ये देखिए अशर्फियां, तो ये बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, डील बहुत ही सही मिल गई है मेरे को। एंड कितने रुपए का, खाली मात्र 499 रुपए, मतलब 499 रुपीज में ये हथियार मुझको मिला है फ्लिपकार्ट से, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका हथियार का। एंड बाकी शुरू करते हैं मिशन को, तो बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं सीधा नीचे पार्किंग एरिया पे, वहाँ पर लगाऊंगा टाइम लैप्स में, पहले आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ लगानी है, एंड उसके बाद जब पूरा प्रॉपर हो जाएगा तो एक बार बाहर लेके जाऊंगा बाइक को, फिर आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, समझ गए, आवाज़ नहीं पापा की तरफ, हाँ जी चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से नीचे। सो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर हो रहा है हल्ला बाहर, क्योंकि किसी का घर बन रहा है। एंड सेकेंडली ये देखो ये रही बाइक, अभी तो बहुत ही गंदी हो रखी है। एंड सेकेंड तो अभी शुरू करते हैं इस पर अपना ऑपरेशन। ये देखो ये पुराना वाला निकाल चुका हूँ, जो ये पुरानी वाली टेल लाइट थी, अब लगानी है नई वाली, बट दिक्कत क्या है इसमें तो ये सिंगल ही तार थी, बट अब इसमें भैया जो रॉकेट साइंस हमारी लगेगी वो है ये एक तो तार, ये सिंपल जो टेल लाइट जलाने की तो है ही, बाकी ये तारें अभी देखते हैं कौन सी कहाँ लगेगी। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से। ये देखो मैंने भैया पूरा क्या कांड कर दिया अच्छे से बाइक, तो चलो अभी मिलता हूँ आप लोगों से फिर बताता हूँ। तो दोस्तों अभी जो मैंने ये लगाई है ना ये टेल लाइट,
इसमें लाइट चेंज होती है, पावर दबाना वाला बटन ये रहा ब्लैक वाला, इसमें से देखो एक छोटा सा बटन है तो देखो चेंज होगा, दबाओ हाँ ये देखो ग्रीन, तो ये 1 2 3 और करो 4 5 6 7 7 कलर्स है इसमें, और ये इंडिकेटर के साथ भी चेंज होंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे चेंज होते हैं। अभी एक बार इंडिकेटर की तार लगा देता हूँ फिर आप लोगों को दिखाऊँ। तो गाइस ये देखो ये लग चुकी है टेल लाइट पीछे, एंड कलर थोड़ा सा ढंग से नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये रेड है यहाँ पर और ये है अभी ब्लू, डार्क ब्लू। अभी इंडिकेटर चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये है लेफ्ट इंडिकेटर, ऐसे चलेगा कुछ, और ये है राइट इंडिकेटर। कलर इसके बस येलो ही रहेंगे, बाकी आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको चेंज करूं तो अभी चलते चलते तो नहीं होगा, आपको इंडिकेटर बंद करने होंगे, देन आप जब बटन दबाओगे वाला तो ये देखो ये चेंज हो रहे हैं कलर, ग्रीन में सही है। और ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है, अब लुक ही आ गया पूरी बाइक का। अब जो इसका कनेक्शन है ना वो मैं बता देता हूँ, ये देखो ये है इंडिकेटर की लाइट, जो मतलब टेल लाइट जो नहीं लगाई है, एक ये है ग्रीन वाली, एक है ब्लू लाइट वाली इंडिकेटर के लिए, ब्लैक वाला तो जो है वो है इसका बटन यहाँ से आ रहा है, तो आप इसको इसके बटन को यहाँ से लेके आएंगे एंड यहाँ पर छोड़ देना इसको लाके, सीट जब भी आपको निकालना हो कलर चेंज करना हो ये बटन दबा देना, सीट के नीचे ये रहेगा तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। एंड जो इंडिकेटर वाली तार है और जो इसका मेन कनेक्शन है वो तो सीधा आपका इस कपलर में लग जाएगा, जो पुराने वाले आप देख लेना जब आप पुराना वाला निकालोगे तो ये कपलर में देख लेना, सीधा इसमें लगा देना। इंडिकेटर की बात करूँ जो ये ग्रीन वाली वायर जा रही है ना वो लगाना, पीछे के जो इंडिकेटर है उसका ये ब्राउन कलर का वायर होगा उसमें इसको अटैच करके टेप बांध देना अच्छे से टाइट करके, एंड जो ये ब्लू वाली लाइट है टेल लाइट की जो न्यू इंडिकेटर की उसको बांधना आप ये ग्रीन वाली में, ये देखो ये ग्रीन वाली दिख रही होगी आपको, ये भी इंडिकेटर की है पीछे से आ रही होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये है ग्रीन, इसमें इसको डाल के अच्छे से टेप बांध देना टाइटली, एंड ये है ब्राउन में ग्रीन वाली, तो याद रखना ग्रीन ब्राउन एंड ग्रीन ब्लू, ठीक है। सो गाइस फाइनली पूरा सेटअप डन, मतलब टेल लाइट एकदम लगा दी, एकदम फिट है, कहीं से भी नहीं हिल रही है पूरा, देखो अच्छे से मैंने वापस से पूरा पैक कर दिया सही। एंड जो उसकी जो लाइट थी ना जिसमें बटन मतलब जो चेंज होता था वो मैं यहाँ से सीधा एकदम अंदर अंदर से करके और यहाँ पर मैंने ये बटन छोड़ दिया इसके नीचे, एंड ये तो इसका फ्लैशर है तो आप लोगों को पूरा फ्लैशर करके दिखाता हूँ ऑन, तो ये देखो कुछ ऐसी दिखेगी। तो देखो भाइयों अब डीबी वाइजर भी लग चुका है बढ़िया सा एकदम, तो ये देखो अब लग रही है बाइक एकदम मस्कुलर टाइप। अब शुरू करते हैं इंडिकेटर यानी कि कान का काम, और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, अब ब्रेक मारना आगे पीछे का कहीं, ये देखो अगर ब्रेक मारेंगे तो ये देखो लाल बत्ती जल जाएगी ऐसे करके। सो गाइस इंडिकेटर भी लग चुके हैं, ये देखो आपका तो मैंने लगा दिया है साइड का, बहुत ही हालत ख़राब हो गई भाई, ये देखो हाथ की हालत, ये देखो भैया अब लगाते हैं इधर की इंडिकेटर, यहाँ का इंडिकेटर साइड का, एंड बस आप लोगों ने कुछ नहीं करना है यहाँ से, कुछ कुछ जगहों से आप लोगों ने दिखाता हूँ आपको, अगर कुछ भी इंडिकेटर साइड के इंडिकेटर निकालने बस कुछ नहीं करना, आपने जो ये नीचे वाला पैनल दिख रहा है ना यहाँ का 1 2 स्क्रू खोल के बस और कुछ नहीं करना आपने, और सीधा लगा देना है यहाँ पर, और बस आप लोगों ने कुछ, और जब आप ये पैनल खोल लेंगे उसके बाद इंडिकेटर निकालने के बाद जो आपको ये एक मिनट ये होल दिख रहा है, इस होल में एक क्लिप लगी हुई है मतलब पुराने इंडिकेटर की, मतलब जो इसमें लगा लगा इंडिकेटर आता है उसकी एक क्लिप है, उस क्लिप को निकाल के सीधा इंडिकेटर बाहर आ जाएगा। अब लगाते हैं इसका रेडिएटर ग्रिल, तो इसमें भी थोड़ा सा मगजमारी है तो देखते हैं अभी लगा के इसका भी हिसाब किताब कैसा बनता है। तो ये देखो भाइयों अब ऑपरेशन हो रहा है रेडिएटर ग्रिल का, तो अभी मैं यहाँ से ये वाला नट खोल रहा हूँ, इस जगह पर एक नट लगा रहता है तो उसको खोल के फिर आप अपना ये जो रेडिएटर ग्रिल है इसको ऐसे लगा के फिर इसको, ये देखो पूरा सेट हो गया। सो गाइस मेरा जो भी काम था बाइक का फाइनली मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, देखिए ये लग चुका है रेडिएटर ग्रिल, ये रहा रेडिएटर ग्रिल जो कि फाइनली लग चुकी है, और क्या बढ़िया लग रही है अब,
चलो भाई अपना मिशन कंप्लीट। 3 hours later। सो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो दिन में शुरू किया था मैंने काम और बाहर रात हो चुकी है और पूरा काम डन है। The next day. गाइस बाइक हो चुकी है एकदम रेडी और ये है अब दूसरा दिन। तो ये देखो बाइक क्या बढ़िया लग रही है अभी हमारी। इंडिकेटर देख लो, साइड इंडिकेटर, डीबी वाइजर, एक ये रहा साइड इंडिकेटर और ये रहे हमारे डाइपर साहब यानी कि इसका गार्ड जो कि इसको बचाव दे रहा है। देखो कीचड़ लग रहा था तो बच रहा है अंदर जाने से, तो बढ़िया है लुक आ गया भाई बाइक का। ये देखो और ये देखो कलर चेंज। तो दोस्तों फाइनली कितने दिनों बाद मैं कर रहा हूँ आज मोटो व्लॉग और देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। एंड भाई ये जो डीवी वाइजर है ना ये ऐसा लग रहा है मेरे मुंह में ही घुस जाएगा, मतलब इतना बड़ा लग रहा है ना ये मेरे को। मतलब इससे पहले मतलब जो स्टॉक वाला था वो तो फ्लैट होता था, ये तो भैया ऐसा लग रहा है कि सीधा क्या बताऊँ मुंह में घुस जाएगा, इतना बड़ा बड़ा सा लग रहा है। तो ये मेरे इस साल की पहली वीडियो है तो यार मतलब दबा के लाइक मारो, शेयर मारो एंड जो नए लोग हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो बढ़िया वाला रिस्पॉन्स दिलवा दो इस वाली वीडियो में एंड मैं मिलूँगा आपको मेरे नेक्स्ट मिशन पर जो कि बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने और मेरे पापा ने मिलके ये वाला मिशन को कंप्लीट किया, तो मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर देना यार क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी है। तो गाइस आशा करता हूँ आज का जो मिशन है वो आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो आप लोगों को पता है यार क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट मिशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बूम।